दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को लिया आड़े हाथों, कहा शर्म नहीं आती नरोत्तम मिश्रा जी, आप लोगों को झूठे केस में फंसा देते हो, बलात्कारियों को संरक्षण देते हो। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अल्प प्रवास पर दतिया दौरे पर रहे। दिग्गी राजा का दतिया दौरा राजनीतिक पंडितों के गणित में कई सवालिया निशान लगाया, जो चर्चा का विषय बना है। सियासत की बिसात पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को लड़ाकू योद्धा बताकर इशारों में ही बहुत कुछ कह दिया। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले दिग्गी राजा वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्वर्गीय मुरली लाल गुप्ता के निवास पर आयोजित पार्थिव शिवलिंग निर्माण में उपस्थित हुए। वहीं ग्रामीण क्षेत्र के दिग्गज भाजपा नेता जो कि RSS की पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके घर भोजन कर चुनावी बिसात बिछा दी। लक्ष्मी वाटिका में कार्यकर्ता सम्मेलन में दिग्गी राजा ने कहा कि कांग्रेस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पकड़ने के लिए अगस्त से काम करेगी और गड़बड़ी पकड़ में आने के बाद भाजपा 50 सीटें भी ले आए तो बड़ी बात होगी। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष नेता के पुत्र व साथियों द्वारा युवती से गैंगरेप की घटना पर उन्होंने कहा कि मैं बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हूँ, लेकिन भाजपा सरकार की दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भाजपा नेता के घर भी बुलडोजर चलना चाहिए, इसमें भेदभाव क्यों किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में हर योजना पर भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे अधिकारी कर्मचारी माफिया नौकरशाहों के अलावा भाजपा नेताओं के दिमाग आसमान पर है। गृह मंत्री की शह पर थाने बिक रहे हैं, थानेदार जहां भी जाता है अपने साथ वसूली एजेंट लेकर जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए दिग्गी राजा ने कहा कि आप लोगों के साहस संघर्ष एवं समर्पण को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। थानेदार, कलेक्टर, SP, ये सारे लोग चुनाव लड़े, जबरदस्ती वोट डलवाए गए, जो कांग्रेस के लोग थे उनको जेल में बंद कर दिया गया, झूठे केस लगा दिए गए, लोगों को प्रताड़ित किया गया। यहाँ मंच पर और नीचे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। इतना उन्होंने प्रताड़ना सहने के बावजूद भी आज वो कांग्रेस में है और नरोत्तम मिश्रा जी को चुनौती दे। हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष जी भी इन पर भी झूठा मुकदमा बना दिया, कोई ऐसा नहीं बचा। राजेंद्र भारती को वो योद्धा है जिनके शरीर पर अनेक भाव लगते, झूठे केस में अंदर कर दिया है। मैं समझता हूँ 15-25 लोग यहाँ बैठे हैं जिनके ऊपर ये झूठे केस बने। धोखा देना, निर्दोष लोगों को झूठे केस में फंसा देना, बलात्कारियों का संरक्षण करना, अपहरण के प्रकरणों में लोगों को बचाना, और एक TI को उनका ऐसा प्रिय है उस पर केस लगा हुआ है, फरार है, लेकिन दतिया का TI उसको गए पत्नी ने अपने घर पे TI बना रखा है, ऐसा उदाहरण हमें देखने। जब ज्यादा उसकी खिलाफत हुई तो मुख्यमंत्री जी ने उसको इंदौर तबादला कर दिया, लेकिन वो घर का बैठने वाला था, वहां पर भी उसने एक बड़ा लंबा खेल किया। अब लंबा खेल में जो देने वाला था वो शिवराज सिंह जी का पहले से दोस्त था, उसकी वजह से शिवराज सिंह जी को लगा कि भाई ये तो हमारे घर पे सेंध मारने लगा, तो उसका निलंबन कर दिया। ऐसे अनेक लोग हैं जो हमारे
नरोत्तम मिश्रा जी के खास शिष्य, लेकिन मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं, नियम का पालन करो, संविधान का पालन करो। अगर कांग्रेसी अगर किसी बलात्कार में फंसा तो अभी तक उसका घर गिरा दिया हो, लेकिन ये मंडल अध्यक्ष भच्चू राय का बेटा है, उसका घर गोली गिरा दे भाई, गोली गिरा दे। मैं पूर्ण रूप से इस घर गिराने का विरोधी हूं, पूर्ण रूप से, चाहे कोई अपराधी, क्योंकि जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन जब आप गिरा ही रहे हो तो भेदभाव मत करो। विरोधी है तो घर गिरा देंगे और भाजपा का है तो बचा लेंगे, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम मांग करते हैं प्रशासन से, जिन बलात्कारियों के मकान गिराइए, अगर नहीं गिराएंगे कांग्रेस पार्टी को प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा। आपके पास जू मिल सदा फिर भी मैं ये भी कहना चाहता हूं, उन्हें आगाह कर देना चाहता हूं, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को, आप न्याय करो। ये सरकार 3-4 महीने से ज्यादा की नहीं, 2 ही महीने की है। अब सितंबर अक्टूबर में तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी, तब ये बचाने आपको नहीं आएंगे। वैसे भी मोदी जी ने इनके दोनों के पर काट दिए हैं, शिवराज सिंह जी के भी और नरोत्तम मिश्रा जी के। अब निर्णय ये नहीं करेंगे, भूपेंद्र यादव करेंगे और अश्विनी उपा बैठक करेंगे। इसलिए आज न्याय मत करो, न्याय से चलो, नियम कायदे से चलो। मैं तो खुलेआम इस बात को कहता हूं, 10 साल तक मुख्यमंत्री रहा। गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष भार्गव के यहां दिग्गी राजा का भोजन करना भाजपा खेमे में हलचल का विषय बना गया है। वहीं भाजपा नेता भार्गव से सीधे सवाल पर उन्होंने बुंदेलखंड टुडे न्यूज को बताया कि आदरणीय दिग्विजय सिंह दूसरी पार्टी के नेता होते हुए भी वह मेरे यहाँ दादाजी के स्वास्थ्य की खैर खबर लेने आए और मेरे विवाह शादी में शामिल होने आए, जबकि मेरे दादाजी का स्वास्थ्य का हालचाल जानने उस पार्टी का एक भी व्यक्ति नहीं आया जिसकी हमने 3 पीढ़ियों से सेवा की। वहीं उन्होंने एक सवाल के जवाब में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि जब से वो आए हैं तब से हमारी दतिया में भय, आतंक और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। साथ ही कहा कि मैं मंत्री जी के 15 वर्ष के कार्यकाल को दतिया के इतिहास का काला कार्यकाल कहूँगा। हिमांशु भार, मैं आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ, अभी 2-3 महीने पहले मेरे दादाजी पंडित श्री रघुवर दयाल भार्गव, उनका ऑपरेशन हुआ और उनका स्वास्थ्य का हालचाल जानने को मेरे घर पे आए, और मेरे लिए ये परम सौभाग्य का विषय है कि जिस पार्टी की हमने 3 पीढ़ियों से सेवा की उस पार्टी का एक भी व्यक्ति मेरे दादाजी का स्वास्थ्य का हालचाल जानने नहीं आया, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी दूसरी पार्टी के होते हुए भी वह मेरी शादी में आए, मेरे दादाजी का हालचाल जानने आए, और मैं अपनी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनका यह कदम अनुकरणीय है और उनका हमारे परिवार के प्रति यह प्रेम है, और वो हमारे घर पे आए हैं और मैं तमरमाई से विनती करता हूँ कि वो हमारे घर पे आते रहें। अब राजनीतिक चुनावी वर्ष है तो राजनीति में चर्चाएं तो होती रहती हैं, उनको कहीं किसी तरह से रोका नहीं जा सकता, लेकिन मैं आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दूं कि हमने 3 पीढ़ियों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, और सन 2008 में मध्य प्रदेश के जो वर्तमान के गृह मंत्री हैं उन्होंने हमारे दतिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सनौरा में वो आए थे, उनका कार्यक्रम हुआ था, हमारे दादाजी ने उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, लेकिन हमारे जो आदरणीय गृह मंत्री जी हैं
जब से वो दतिया में आए हैं, दतिया एक तरह से यहाँ पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, और भ्रष्टाचार के अलावा दतिया आज भय के माहौल में जी रहा है। आज हम दतिया में वह देख रहे हैं जिसकी हमने कभी कल्पना ही नहीं की थी। दतिया में पर्याप्त रूप से भ्रष्टाचार है, दतिया में पर्याप्त रूप से भय, दतिया में पर्याप्त रूप से पक्षपात है, दतिया में पर्याप्त रूप से भेदभाव है। अगर आप एक पक्ष से जुड़े हो और दूसरे पक्ष से जुड़ने का प्रयास करोगे तो आप खिलाफ FIR होना बहुत ही आसान हो गया है। आप यहाँ अपने हक की बात नहीं रख सकते, आप यहाँ आप न्याय की बात नहीं रख सकते, यहाँ आप स्वतंत्रता की बात नहीं रख सकते। इनके इस प्रकार के भेदभाव को देखते हुए, इनके अन्याय और अत्याचार को देखते हुए मैं बेहद दुखी हूँ। और जो भी राजनीति में चर्चाएँ होती रहेंगी, चर्चाएँ होना भी चाहिए, लेकिन मैं आदरणीय गृह मंत्री जी के जो कार्यकाल है 15 साल का, इस कार्यकाल को दतिया के इतिहास का काला कार्यकाल, अगर शांति का टापू है तो मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा और कहूंगा कि आप मुझसे बात करें। 2008 के बाद से जब से वो दतिया में आए हैं, दतिया अशांति का टापू है। यहाँ आप क्राइम रेट देख लीजिए दिन पर दिन। अब देखा जाए दतिया में सिर्फ दो ही चीज़ बची है, एक तो दतिया में गट्टे हैं और दूसरा दतिया में गुंडे हैं। इनके अलावा दतिया में कुछ अब शेष बचा नहीं। और हम आज आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आने से हम बड़ा गौरव महसूस कर रहे हैं कि इस विपत्ति के समय में उन्होंने हमारे परिवार की चिंता की और भोजन ग्रहण किया। मेरे दादाजी जो 90 वर्ष के हैं, स्वयं उनको बैठाल के और खुद खड़े होके उनके साथ फोटो खिंचवाई, उनको मान सम्मान दिया, और हमारा भार का परिवार उनके मान सम्मान जो उन्होंने हमको दिया है, हम हृदय से उनके आभारी हैं, मैं कृतज्ञ हूँ। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।